स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सर्फर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, कंबस्शन पार्ट वन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज फ्यूल, व्हाट इज कंबस्शन, व्हाट आर द कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन एंड मैथड्स टू कंट्रोल फायर। इन द प्रीवियस चैप्टर, that is sources of energy, we have studied about various types of fuels, and we know that any substance that burns in air to produce heat is known as fuel. Any substance jisko bhi hum burn kar sakte hain air mein aur wo produce karta hai heat and light, and we call it as fuel. In the last chapter we have studied about various types of fuels, wood, we have got these cow dung cakes, coal, coke, LPG, CNG, etc. These are some type of fuels. So we say that a fuel is a substance that burns to produce heat and light, and the process by which the fuel burns in air to release and heat and light is known as combustion. कंबस्शन क्या है? कंबस्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है और हीट और लाइट को रिलीज कर रहा है। इसीलिए जो फ्यूल्स हैं दे नीड टू अंडरगो कंबस्शन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। यानी फ्यूल जब तक बर्न नहीं होगा तब तक उसमें से हीट और लाइट नहीं निकलती है। सो कंबस्शन इज सेट टू बी अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ मटीरियल इन एयर टू रिलीज हीट एंड लाइट, एंड the substances which undergo combustion are known as combustible substances. जो material जल सकते हैं, burn हो सकते हैं heat light produce करने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं combustible substances. For example, coal, wood, they are combustible substances. Whereas sand, stone, they do not catch fire, ठीक है, and they do not burn in air to produce heat and light. So they are known as non-combustible materials. Now what are the conditions necessary for burning? Burning के लिए कौन सी conditions का होना ज़रूरी है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। The one of the most important condition required for burning is oxygen, because oxygen is a supporter of combustion. Now we can do a simple activity to know this, that air is necessary for burning. So what we are going to do here, what we'll do, we will fix a burning candle on a table. Hum ek table par ek burning candle ko fix karenge. Now we see the candle is burning smoothly, and after some time we will place a glass chimney around that candle. हम क्या करेंगे, एक चिमनी लेंगे और उसको हम प्लेस कर देंगे एज शोन इन द फिगर, राइट, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल डू दैट। क्या करेंगे हम लोग एक कार्डबोर्ड का पीस उस चिमनी के ऊपर रखेंगे। फर्स्ट केस में हमने कैंडल को बर्न करते ओपनली छोड़ा है, यू ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ द कैंडल। इन सेकेंड केस यू प्लेस अ चिमनी ओवर दैट कैंडल and again observe the flame of the candle, and in third case you put a cardboard over the flame of the candle and we will observe the flame again. Now in first case what will happen, see the candle flame is burning smoothly, candle smoothly burn kar rahi hai, aur second case mein kya ho raha hai, what happens there, the candle flame flickers, wo thodi der ke liye jo fadfadati hai flame, jaise usko कुछ जलने में प्रॉब्लम हो रही हो, एंड वी सी द इनसाइड ऑफ द चिमनी दैट बिकम्स सूटी, और वहाँ पे ब्लैक कलर का स्मोक आना स्टार्ट हो जाता है, राइट, एंड थर्ड केस में जब हमने कार्डबोर्ड को प्लेस किया ऊपर, देन वी विल फाइंड दैट द कैंडल फ्लेम गोज ऑफ, कैंडल बुझ जाएगी। अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ, देखो फर्स्ट केस में जो कैंडल थी वो स्मूथली बर्न कर रही है, क्यों, बिकॉज देयर इज सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर उसको एयर प्रॉपर मिल रही है, पूरी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। बट इन सेकेंड केस उसको सिर्फ
टॉप से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है और नीचे से हमने उसके चारों तरफ से उसको बंद कर दिया है सप्लाई ऑक्सीजन की। तो वो बर्न तो हो रही है कैंडल, बट उसको सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। एंड व्हाट हैपन्स इन द थर्ड केस? इन द थर्ड केस व्हेन वी पुट अ कार्डबोर्ड ओवर द फ्लेम इट गोज ऑफ बिकॉज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट ऑक्सीजन इज मोस्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर बर्निंग एंड ऑक्सीजन इज नोन एज सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, राइट। द सेकेंड मेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। एनी फ्यूल दैट बर्न्स टू गिव हीट फॉर बर्निंग इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस बर्न हो सकता है अगर, तो उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसको आग पकड़ने के लिए, उसको फायर कैच करने के लिए। इट कैचेस फायर ओनली एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर, राइट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। तो अगर किसी चीज़ ने बर्न होना है तो उसको ये सूटेबल टेम्परेचर का अवेलेबल होना ज़रूरी है। और इसको हम देख सकते हैं एक एक्टिविटी से। इसमें हम क्या करेंगे, विल प्रिपेयर टू पेपर कप्स ले सकते हैं हम, या फिर पेपर के कोन्स ले लिए हमने। और उसमें हमने क्या किया, एक कप में हमने वाटर डाला और दूसरे कप में हमने एम्प्टी रखा है। एंड वी स्टार्ट बर्निंग बोथ, या बोथ द कप्स आर प्लेस्ड ओवर द फ्लेम। हमने दोनों को फ्लेम के ऊपर रखा, उनको बर्न करने का कोशिश की। नाउ वी कैन सी वेरी वेल व्हाट हैपन्स आफ्टर सम टाइम। वी सी दैट जिसमें हमारे पास पानी था वो वाला कप हमारा बर्न नहीं हुआ है, राइट। बट द अदर एम्प्टी कप स्टार्ट बर्निंग, वो एम्प्टी कप विदाउट वाटर स्टार्ट बर्निंग एंड कप हाफ फिल्ड विद वाटर इज स्टिल देयर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द वाटर इन साइड द कप डज नॉट अलाउ द पेपर टू बर्न। पेपर हमारा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है और वो बर्न भी कर सकता है, पर उसको बर्न करने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत थी, जो सेकंड केस में तो उसको अवेलेबल हो गई, पर फर्स्ट केस में वाटर वॉज देयर विच डज नॉट प्रोवाइड इट्स सूटेबल टेम्परेचर। पानी ने उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं होने दिया, सो इट इज़ नॉट बर्निंग। दैट मीन्स एनी सब्सटेंस विल बर्न ओनली इफ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इट्स बर्निंग इज प्रेजेंट देयर। सो द टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर बर्निंग आर, द वेरी फर्स्ट इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि कोई हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए पहले। आप बेशक टेम्परेचर दे दीजिए सूटेबल, यू गिव फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू स्टोन, बट वी कैनॉट बर्न दैट बिकॉज इट इज नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। सो द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर इज अ कंबस्टिबल मटेरियल एंड दैट कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उसको जितनी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो मिलेगी, तभी वो चीज़ बर्न होगी। और थर्ड होता है उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर भी अवेलेबल होना चाहिए, वट एवर द इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स बर्निंग। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेस, सम सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस, द वाइट फॉस्फोरस हैज इट्स इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सी। और समर्स में अगर हम उसको ओपन में ऐसे ही रख देंगे तो उसको अपना टेम्परेचर मिल गया, देन इट स्टार्ट कैचिंग फायर, तो वो ऑटोमेटिकली फायर कैच कर देता है। इसीलिए फॉस्फोरस को हमेशा वी कीप इन वाटर सो दैट इट डज नॉट कैचेस फायर। तो जलने के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर, और वी कैन से द सराउंडिंग्स का जो एनवायरमेंट का जो इग्निशन टेम्परेचर है दैट शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, राइट। जो सब्सटेंसेस बर्न हो रहे हैं उनको जो सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, तो उनके एनवायरमेंट का टेम्परेचर उस सूटेबल इग्निशन टेम्परेचर से हाई होना चाहिए, तभी वो चीज़
कैच करेगी फायर को. सो दीज आर सम ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशंस विच विल सपोर्ट कंबस्शन. अब हमारे पास कंबस्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो तो हमने देखी. ये ज़रूरी है फायर को जनरेट करने के लिए, किसी सब्सटेंस को कंबस्टिबल बनाने के लिए, उसको कंबस्शन का प्रोसेस होने के लिए ये कंडीशन देना ज़रूरी है. वन ऑफ द कंडीशन इज मिसिंग, द फायर विल नॉट अकर. सो दीज आर द प्रिंसिपल वी विल यूज टू पुट आउट फायर ऑल्सो. कहीं जगह हमें आग को बुझाने की ज़रूरत भी पड़ती है और वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं में से कोई कंडीशंस को कट ऑफ कर देंगे और हम आग को बुझा सकते हैं. वी कैन कंट्रोल फायर, राइट. फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट इज द लोअरिंग इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर को लोअर करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं, राइट. जैसे कोई भी चीज़ जल रही, हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तो पानी डालते ही क्या हुआ, उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर, जैसे वाटर के कप में आग नहीं लगी थी ना, क्योंकि उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिला था. सिमिलर वे किसी चीज़ की आग को हम बुझाना चाहते हैं तो भी हम यही कर सकते हैं. वी कैन पुट वाटर ओवर दैट बर्निंग मटीरियल एंड द फायर गोज ऑफ. सेकेंड, टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ किया जा सकता है. सपोज एनी पर्सन कैचेस फायर, उसको हम थिक ब्लैंकेट में रैप कर सकते हैं. वी कैन कवर हिज बॉडी विथ थिक ब्लैंकेट बिकॉज दैट ब्लैंकेट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो जलेगा कैसे. सो द पर्सन गेट सेव्ड, राइट. एंड वी हैव टू बी कॉशियस हियर दैट वट टाइप ऑफ फायर इज देयर, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. सपोज ऑयल और गैस से आग लगी है, तो ऑयल यू नो और वेरी वेल नो दैट इट इज़ लाइटर देन वाटर. तो अगर आपने ऑयल की आग पर वाटर पोर किया है तो भी वो आग नहीं बुझेगी. द फायर विल कीप ऑन बर्निंग. क्यों, आग जलती रहेगी. द फायर विल बी देयर बिकॉज ऑयल इज लाइटर, इट कम्स टू द सरफेस एंड कीप बर्निंग. उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, वो बर्न करता रहेगा. सो द फायर कॉज्ड बाय ऑयल और गैस नीड्स टू बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर. ऐसे आपने एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे ना आपकी स्कूल बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी मॉल्स में, शॉप्स में. एवरी वन हैज टू कीप दिस फायर एक्सटिंग्विशर जस्ट टू पुट आउट फायर. And in this fire extinguisher, we have got the one of the container which is having a solution of sodium bicarbonate solution. और उस दूसरा उसमें छोटी सी ट्यूब में होता है सल्फ्यूरिक एसिड. And when we push this piston, उसके ऊपर से पिस्टन को हम पुश करते हैं तो ये एसिड उसमें मिक्स होता है एंड इट प्रोड्यूसेज लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज स्प्रेड ओवर द बर्निंग मटीरियल टू स्टॉप फायर, राइट. सिमिलरली अगर हमारी कहीं इलेक्ट्रिसिटी की फायर है, वहाँ भी हम उस आग को बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट थ्रो वाटर ऑन द बर्निंग मटीरियल बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द पर्सन हु इज पुटिंग आउट फायर मे कैच इलेक्ट्रिक शॉक. उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द मैथड्स बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ अ फायर कॉज बाय पर्टिकुलर सब्सटेंसेस. कहीं पर हमें उसका टेम्परेचर लो करना है, कहीं पर हमें उसके ऑक्सीजन सप्लाई कट कर सकते हैं हम लोग, और समवेयर वी कैन यूज दीज फायर एक्सटिंग्विशर्स. थैंक यू. प्लीज़